असल मैं हूं अलीना शिक्री आठ सितंबर के जलसे के बाद से जारी सियासी हलचल थमने का नाम नहीं ले रही कौमी असम्बली की हदूद से अराकिन असम्बली की गिरफ्तारी ने जमहूरियत की बका और पार्लियमान की साख पर संजीदा सवाल खड़े कर दिए हैं स्पीकर, स्पीकर कौमी असम्बली जनाब एयाज साहब ने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में गैर जिम्मेदारी बरतने पर साजिन एट आम समेत पांच एहलकारों को मोतल कर दिया है स्पीकर साहब ने एडिशनल सेक्रेटरी इफ्तार अहमद की सरबराही में चार रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमिटी तश्कील दी है जो पार्लियामेंट की हदूद में होने वाले वाकी करेगी अयाजिक साहब ने गुफ्त करते हुए पार्लियम कर की मजबूती के लिए मैं जो कर सकता था, वो मैंने किया। हमें माजी को भूल कर आगे बढ़ना होगा हम भूल जाए हमारी लीडरशिप आपस में बैठे ना बैठे मगर क्या हम पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट की खातिर बेहतरी की खातिर क्या हम कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं साइन कर सकते क्या हम लोग बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते हम लोगों के हकूक की बात करें हम इश्यूज की बात करें एक जानेब स्पीकर साहब साजिनेड आम्स को मतल करते हैं इंक्वायरी खड़ी कर दी जा, कर दी जाती है ऐसा तसुर दिया जाता है कि पार्लियमान का तकद्दस पामाल हुआ है लेकिन स्पीकर साहब समेत हुकूमत इस सबसे लाइम रही माजरत के साथ स्पीकर साहब आई जी इस्लामाबाद की आज की मीडिया टॉक ने आपकी मौकेफ की मुकम्मल नफी कर दी है फायर्स के मुताबिक, जो तमाम विधि प्रायर जो हमारी एक तरीक़ाकार होता है जिसमें जो ऑनरेबल स्पीकर से एक उनसे अप्रूवल ली जाती है वो जो तमाम एक प्रोसीजर लिखा हुआ है और जहाँ तक रह गया है हमने प्रॉपर एक प्रोसीजर के तहत अरेस्ट करके प्रेजेंटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ अब जब हुकूमत से जमूरियत पे लगी इस कार्य जर का दिफा नहीं हो पा रहा तो हुकूमती वजरा ऐसे बयान दे रहे हैं और ऐसा तासुर बनाया जा रहा है कि पार्लियमान का तकद्दोस जैसे पामाल हुआ ही नहीं वफाकी वजीर वजर जनाब जनाब अता तार साहब का कहना है कि कुछ ऐसे सबूत सामने आए हैं कि अवान के अंदर से किसी को नहीं उठाया गया कुछ एविडेंस सामने आया कि हाउस के अंदर से किसी को नहीं उठाया गया ये एविडेंस सामने आया स्पीकर ऑफिस में वो रिकॉर्ड मौजूद है कि बाहर नाके की बगर तैकीद कर लें उस वीडियो को एग्जामिन कर लें उस पर बात हो सकती है बहरहाल स्पीकर साहब ने तहरीक इंसाफ के अराकी ने पार्लियामेंट के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए दिए कौमी असम्बली इजलास में दूसरी जाने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी खिताब किया और उनके खिताब से बहरहाल लगा के उनको एक ही संगीनी का जरूर अंदाजा है उनका कहना है कि सियासत को गाली बना दिया गया है पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे तो एक दिन मैं और आप इसी जेल में होंगे सियासत को एक गाली बना दिया हकूमत काम सिर्फ ये है कि आज हमें किसको बंद करना है पत्थर का जवाब पत्थर से ईंट का जवाब ईंट से दें तो एक दिन के लिए आप लोग खुश होंगे लेकिन कल मैं और आप उसी में हूं। अगर इस मुल्क ने चलना है तो इस इस शायर शायर और उस को मिल के काम करना पड़ेगा नाजी वक्त सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ के 50 से जायद लीडरान पर एफआईआर दर्ज हैं, जिनमें से चंद एक अड्याला जेल में हैं। जेल में अगर आप एफआईआर का मतन पढ़ें तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई फिल्म का स्क्रिप्ट हो जिसमें नई पंजोता साहब पिस्तौल लहराते हुए आ रहे हैं शोएब शाहीन साहब ने पुलिस वाले को पिस्तौल दे मारी अली अमीन गंडापुर साहब ने डीएसपी पर गन तान ली, उमर अयूब साहब ने किसी पुलिस वाले की इनपट्टी पर पिस्तौल रख दी ये ऐसे सीन है जो आपको फिल्म में अगर जरूर नजर आते हैं लेकिन हकीकी जिंदगी में नहीं हजारों का मजमा हो दर्जनों सहाफी वहां पर मौजूद हो लेकिन किसी ने इस किस्म का कोई वाक बयान ना किया हो मालूम नहीं पुलिस ने क्या सोचकर इस किस्म के वाक का नक्शा खींचा क्या हमारी अदालतें देख भी रही होती हैं कि क्या एफ सामने आई है या जो एफ पुलिस पेश करती है उस पर जिसमानी रिमांड दे दिया जाता है स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक साहब ने आज साजुन एट आर्म समेत पांच एहलकारों को मअतल किया और उसके बाद एक तहकीकत के लिए चार रुकनी कमेटी भी तश्कील दी गई है आ, ये एडिशनल सेक्रेटरी इफ्तार अहमद साहब की सरबराही में ये कमेटी तश्ल दी गई है जबकि जॉइंट सेक्रेटरीज इरशाद अली खान और रिजवान साहब ये भी इसमें शामिल होंगे और कायम मकाम जो सार्जन एटार्स हैं फरत अब्बास साहब ये भी इस तहकीकती कमेटी में शामिल होंगे और अब ये तय किया जाएगा कि सीसीटीवी सी फुटेजेस देखी जाएंगी और तय किया जाएगा कि अरकान को पार्लियामेंट के अंदर से कैसे गिरफ्तार किया गया क्योंकि हुकूमती वर्जन जो सामने आ रहा है वो ये है कि पार्लियामेंट के अंदर से किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया और उसके शवाह वो कहते हैं ऐसे मौजूद है कि जिससे ये इंडोस हो जाती है बात के पार्लियामेंट के अंदर से कोई अरेस्ट अमल में नहीं आया इस पर गुफ्तगु होगी क्योंकि आज एक तरफ अयाज साद साहब भी प्रपोज कर रहे चार्टर ऑफ पार्लियामेंट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे सपोर्ट करती है और गुजशत रोज की जो इमरान खान साहब का जो फैसला सामने आया जो डिसीजन एक बड़ा सामने आया जिसमें उन्होंने तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं जो एक मुजाकरात के लिए एक, एक वे फॉरवर्ड की उम्मीद नजर आ रही थी डायलॉग को आगे बढ़ाने के लिए आ, वो उम्मीद क्या खत्म हो गई और किस तरह से अब मामला आगे जाएंगे और ये डेडलॉक की सूरत हाल पाकिस्तान के लिए कितना नुकसानदेह नुकसान नुकसान साबित होगी इस पर गुफ्तु होगी राहुल फसन साहब तर्जुमान पाकिस्तान तरीके सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी स्टूडियो बहुत शुक्रिया राहुल लेट्स बिगिन विद ये जो डेवलपमेंट हुई है दो रोज के अंदर और आपके आठ सितंबर के जो जलसा था आ, उसके बाद जो फायरी स्पीचेस थी इंतहाई हार्श हार्श स्पीचेस अगर उसको कहा जाए तो गलत ना होगा आ, जिसके बाद एक ट्रिगर आपने प्रोवाइड कर दिया और फिर जो दो रोज तक हमने जो गिरफ्तारियां देखी जिस किस्म के हालात देखे जिस पर अब फाइनली जिस तरह हुँ. मैंने मेंशन किया कि कमेटी भी तहकीकती तश्कील दी गई है वो यू फॉर सींग ऑल दिस फोर्सिंग ऑल वॉट ये death, ये एक, एक इसके के कॉन्सिक्वेंस ये होंगे आठ सितंबर की जल्द क्योंकि लास्ट वीक आप मेरे शो पे थे और आपने जिस किस्म का एक आप एटमोस्फेयर का हवाला दे रहे थे आपने कहा मैं एनओसी भी उन्होंने ही दिए जिनसे मुजाकरात करना चाह रहे थे और आपने कहा इंडिविजुअल भी राबते में है सो तो एक कंकूसिव एक ब्रेक थ्रू की एक फीलिंग आ रही थी जिसके बाद तो अभी ऐसा लगता है कि सब कुछ बिल्कुल खत्म हो गया थैंक uh, यू अलीना दे, मैं इसको उस पॉइंट से ही शुरू करूंगा जहां मैं आपके पास लास्ट प्रोग्राम में आया था ठीक है जी उस Please. दिन वाकई मैं आई आई वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि चलिए वो स्टैब्लिशमेंट के साथ भी एक काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट इस्टेबलिश हुआ है उनके कहने के ऊपर हमने इसको आगे किया है तो यस देर टाइम लेकिन फिर मामला बिगड़ने शुरू हुए मुझे नहीं समझ आई कि इन्होंने इजाज़त देने के बाद वेन्यू अप्रूव करने के बाद सड़क मतलब पूरे शहर को ब्लॉक क्यों किया मोटरवेज़ को ब्लॉक किया एक्सप्रेस वेज को ब्लॉक किया हाईवेज़ को ब्लॉक किया जितनी भी कनेक्टिंग सारे रूट्स थे उनको ब्लॉक किया आ, कहीं तो भी हुआ लोगों को पकड़ा भी गया हमारे लोगों को मुझे नहीं समझ आई अगर कोई बंदा यहाँ बैठ के मुझे एक्सप्लेन कर सके कि एक तरफ तो आप इजाज़त दे रहे हैं जलसे की फिर ये कह रहे हैं जी कि हम फैसिलिटेट करेंगे जलसे की ऑर्गेनाइजेशन सारा कुछ करेंगे एंड देन आप वो सब कुछ करते हैं जो कि उस कहने के बिल्कुल अपोजिट है तो मामला बिगड़ने शुरू हुए लास्ट भी बात उसके बाद जो तकरीरों का जो जिक्र कर रहे हैं नेक्स्ट इसके से पहले कुछ वायलेशन आप नहीं समझते आपकी पार्टी के आ, आ, की जानव से भी कोई वायलेशन हुई है उन एनओसी में जो दर्ज तमाम जो कंडीशन थी उसको आपने अवॉइड करना था देखिए उन कंडीशंस में से किसी की वायलेशन नहीं हुई सवाए इसके के अकॉर्डिंग टू दी गवर्नमेंट साइड वो कहते हैं जी कि सात बजे आपने जलसा ख़त्म करना था और आपने सात बजे जलसा ख़त्म नहीं किया देखिए मैं मुझे सिर्फ ये हैरानगी है कि जी चार बजे से सात बजे जलसा करने तक के ऊपर हमने एग्री क्यों किया था अगर हमने एग्री किया था मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं उस कमेटी में शामिल नहीं था जिसने एग्री किया सो आई विल हैव टू वेल लेकिन उनका कहना है कि जी सात बजे जलसा आपने ख़त्म करना था वो सात बजे जलसा ख़त्म नहीं हुआ अब ये कोई जुर्म नहीं है पोलिटिकल जो गैदरिंग होती है उसमें ये कभी नहीं आज तक पहली दफा हमने सुना है जी कि आप इतने लिमिटेड यू नो टाइम के लिए आप जलसा कर सकते हैं और उसके बाद उनको फोर्टी वन किस्म की और ये उसमें, कोई ये नो। तीन से छह की मूवी तो है नहीं कि कि मतलब आ, जी आप, आप उसको लगाएं नहीं चलाएं, नहीं। चलाएं और चले जाएं।, चले जाएं उसके बाद नो लोग आए आ रहे थे पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए थे छह बजे तक तो लोग पहुंच रहे थे बल्कि उसके बाद भी हमारा हमारा एक अंदाजा के मुताबिक फिफ्टी भी लोग अंदर नहीं आ सके थे फिफ्टी से ज्यादा लोग अभी तक सड़कों के ऊपर थे उसके बाद फायरी स्पीचेस की आप बात कर रही हैं जी देखिए हम लोगों को बहुत दीवार के साथ लगाया हुआ है बहुत ज़्यादा बहुत कुछ सह चुके हैं बहुत कुछ सह रहे हैं मैं फील करता हूं कि ये जो पोलिटिकल स्पीचेस होती हैं उनको पोलिटिकल स्पीचेस के तौर के ऊपर ही लेना चाहिए उससे आगे ये कुछ नहीं है आ, अगर आप कहें कि कुछ अवॉइडेबल चीजें थी तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल डिस्कशन के ऊपर कि जी वो किस तरीके से अपना बयान जो है वो देना चाहते हैं और अगर वो स्पीचेस ना भी होती तब भी आपको लगता था कि ये इस किस्म के हालात की तरफ आपकी पार्टी ने जाना ही जाना था अरेस्ट अमल में आते और कुछ इस तरह की सीनारियो होता आपकी पार्टी के साथ देखिए हमें यकीन था कि ये लोग हमें पहले कुछ देर के लिए जिस दिन मैं आपके प्रोग्राम में आया था हम फील कर रहे थे कि शायद यू नो मामला लेकिन हमें उसके बाद पता चलना शुरू हो गया था कि क्या हो रहा है और आपने देखा आपने कहा था कि इंडिविजुअल भी रबे में एस्टेब्लिशमेंट के साथ आ, आ, आपकी पार्टी के दीगर अफरा जो है वो इसको कर रहे थे लेकिन उसके बाद जब शहर बंद होना शुरू हुआ था तो रियलाइज दे यू नो कुछ होगा और वही हुआ सारा कुछ हुआ उसके बाद उन्होंने बंदे पकड़े हमारे सारा कुछ जिस तरीके से पकड़े गए पार्लियामेंट के अंदर से पकड़े गए हमारे मैंने खुद लोगों से बात की उन्होंने कहा जी कि रात को तकरीबन चार बजे के करीब एक शख्स को मस्जिद के अंदर से पकड़ा गया नसीम साहब को फिर एक खुजरे में थे उनको वहां से निकाला गया बाकी लोगों को कमरे से निकाला गया सारा कुछ हुआ तो ये आ, मैं फील करता हूँ कि इंतहाई गैर ज़रूरी ये इकदाम थे अगर आपने उनको पकड़ना भी था तो अगर रात की की सुबह हो जाती तो क्या प्रॉब्लम था कोई अना के वसाइल तो नहीं थे यहाँ सुबह आप उनको पकड़ लेते जैसा कि एक तरीका है आप स्पीकर के पास जाते हैं उनकी इजाजत से आप उनको अरेस्ट कर लेते ले जाते लेकिन ये कि जी अना का मसला बनाना कि जी आपको रात को ही हमने पकड़ना है आ, जिस वक्त एक्चुअली जब अरेस्ट हुए हैं तो वो तकरीबन सुबह चार बजे का टाइम था सैरी का टाइम था, था वो उस वक्त अरेस्ट और अब ये हुकूमती साइड कह रही है कि पार्लियामेंट के अंदर से अरेस्ट नहीं हुए कोई भी जी हमारे जो लोग हैं वो कहते हैं हमारे पास सबूत हैं और सीसीटीवी फुटेज इसीलिए मांगी जा रही है कि उसके ऊपर होगा कि किस वक्त है क्योंकि भी उसके वक्त भी आया हो और आपको लगता है कि तहकीका कमेटी जो है वो सीसीटीवी फुटेज जो आप लोग पहले भी एक एक, एक नौ मई का सामना आप लोग को रहा है और ये तो नौ मई पार्ट टू उसको कहा जा रहा है तो सीसीटीवी फुटेज अगेन वो एक मुद्दा है आ, वो सामने आ सकेंगे अलीना तहकीकत की हिस्ट्री पाकिस्तान में कोई तहकीक़त आज तक कभी अपने अंजाम तक नहीं पहुँची है मनत की अंजाम तक उनको डिरेल किया गया है उसके नतज है उनको टैंपर किया गया है सी सी टी वी फुटेज के ऊपर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि प्रॉब्लम होगा जी उस दिन कैमरे नॉन फंक्शनल हो गए थे ये हो गया था वो होगा था अब आप देखेंगे कि इस ये इस ऑर्डर के बाद किस किस तरीके से इस इस इंक्वायरी को डिटेल करने की कोशिश की जाएगी तो एट द एंड ऑफ द डे मेरा ख्याल है कि जमा इज इक्वल टू होगा बट साइमल्टेनियसली साहब हाउ डज योर पार्टी टेक दिस मूव बाय द स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली जब वो प्रपोज करते हैं कि चार्टर ऑफ पार्लियामेंट हो बिटवीन गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन और मामला कुछ पार्लियामेंट की फंक्शनिंग है uh, उसको बेहतर बनाने के लिए उसको एक, हवाले से एक एकमत अमली तैयार करने के लिए क्रॉस पार्टी चार्टर होना चाहिए डू यू सपोर्ट दैट देखिए कोई चीज़ जो कि पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन की परफॉर्मेंस को फंक्शनिंग को कोम्प्रूव करने के लिए कोई इनिशिएटिव लिया जाए तो मैं उसका हमेशा हामी भरूंगा उसकी उसको सपोर्ट करूंगा लेकिन अब ये हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी के ऊपर है क्योंकि जो ज़मीनी हक का इल्म उनको ज्यादा है मुझे नहीं है मैं तो उनसे पूछता हूँ क्या हो रहा है ये हो रहा है मेरा ख्याल उन्हीं ने ही फैसला करना है कि ये अब ये डिपेंड करता है कि ये चार्टर ऑफ पार्लियामेंट में क्या है अगर पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को कोम्प्रूव करने के लिए है और ये एक जेनुन एफर्ट है तो मेरा ख्याल है कि मेरी जो हमारी जो टीम है पार्लियामेंट्री कमेटी है वो इसको डेफिनेटली डॉक्टर साहब आई यू कंसर्न कि अगर अयाज सादिकाब जो की बड़े आवाज तक ये सवाल उठा कि वो किधर थे जब ये गिरफ्तारियां अमल में आ रही थी सो असद कैसर साहब के भी अभी भी टोन जो उनकी नजर आ रही है उसमें तो सादिक सादिक साहब से बड़ी उनको रिजर्वेशन बड़े तहफा हैं, हैं कि वो किधर थे और उनके इलेक्शन की वजह से ये कुछ वाकयात जो है वो रूनुमा हुआ ये हकीकत है और याज सादिक साहब का एक बयान आया है सामने भी आया है अगर आप उसको चलवा भी दें अगर आपके पास रेडी मौजूद है जिसमें कि उन्होंने जबकि वो स्पीकर नहीं थे तो उसमें उन्होंने स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कहना हुआ है और उसमें से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये उसकी उसने इंश्योर करना है कि पार्लियामेंट के राइट्स क्विंच ना हो एब्सोल्युटली ये तो राइट स्क्रिंच होने के साथ-साथ वर्चुअली असॉल्ट हुआ है पार्लियामेंट इस वक्त सो लास्ट भी बात है वो अगर असद कैसर साहब उसको उन उनकी तरफ एक सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं तो वो मुनासिब है देखें आपकी so पार्टी ये... इस हवाले से सोच सकती है कि कोई कानूनी एक लायएमल اختیار करने के हवाले से स्पीकर साहब के खिलाफ स्पीकर साहब के साथ क्या राय क़ानूनी लाखियार लाया, लाया, कर सकते हैं हम कोर्ट ऑफ लॉ में तो उनको नहीं ले जा सकते ना और नंबर्स पास असेंबली में भी नहीं क्योंकि है क्योंकि ये जो है ये सारा मामला जो है ये तो नेशनल असम्बली के एम्बिट में आता है तो इसका तो हल पार्लियामेंट नहीं निकालना है पार्लियामेंट के ही एम्बिट में निकलेगा और अगर ये कमेटी बनी है तो फिर आप स्पीकर साहब को इंश्योर करना चाहिए कि ये जो कमेटी है ये इंडिपेंडेंटली और ट्रांसपेरेंटली काम करे और वो तमाम शवाहिद जो हैं जो मौजूद हैं इस वक्त तक आई डोंट नो कि वो रहे हैं कि नहीं रहे हुए क्योंकि बाकी भी यू के और भी जो इंसीडेंट हुए थे उसमें भी सीसी टी वी फुटेज जो है वो सीसीटीवी फुटेजल रोल प्ले करता है यू you नो know, जो हुआ है जो भी काम हुआ है उसको उसको एसरटेन करने में तो अगर वो नहीं मौजूद होती तो फिर इस बिल भी वेरी डिफिकल्ट क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ ह्यूमन विटनेसिंग के ऊपर आ जाएगा ना कि जी आपने क्या देखा आपने क्या देखा तो जो गवर्नमेंट जो बेंचेस हैं वो हमें सस्पेक्ट करेंगे हम जो हैं उनको सस्पेक्ट करेंगे और मामला उस इंक्वायरी का वो हो जाएगा जाएगा खत्म हो, हो जाएगा। इस चार्टर पे भी एक सवाल मजीद के आपकी पार्टी सपोर्ट करेगी आप तो पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं और आप इस चीज को वो कर रहे हैं डॉस के अगर पार्लियामेंट्री कंडक्ट और कोलैबोरेशन के लिए उसको मजबूत बनाने के लिए अगर इस किस्म के चार्टर की तरफ जाया जाए सो uh, so वो बेहतर होगा आपकी पार्टी इस चीज को सपोर्ट करेगी मैंने ना कि वो पार्लियामेंट्री पार्टी जो है हमारी वो इसको करेगी उनके पास ये सारी डिटेल्स होंगी इसकी डिटेल्स अभी आनी है ना चार्टर पार्लियामेंट इज अ वेरी नाइस साउंडिंग थिंग ठीक है कि पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को इंप्रूव करने के लिए सो ऑन द फेस ऑफ इट इट्स अ गुड मूव लेकिन हमारी पार्टी जो है उनके जो एक्सपीरियंस है उसकी बेसिस के ऊपर वो इसको देखेगी कि क्या करना है आई एम श्योर एक पॉजिटिविटी के साथ अप्रोच किया जाएगा इसको right. लेकिन ये फैसला उन्हीं नहीं करना है राहुल साहब यहाँ पर एक हमें छोटी सी ब्रेक शामिल करनी है लेकिन ब्रेक के बाद हम आपसे जरूर जाना चाहेंगे कि जो खैबर वक्तों का वजीरा आला है वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के बाद इस्लामाबाद में उस वक्त के बाद से अब तक खामोश क्यों है किधर गायब है बड़े सवाल तेज हो रहे हैं सुनाजी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं नाजी वेलकम बैक और ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए राउू साहब हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो आपकी अरकीन असम्बली है जो गिरफ्तार हुए आ, उनको किसने गिरफ्तार किया आप लोग की क्या हंस है कौन इसके पीछे मुलविस है गिरफ्तारी बनती नहीं थी अलीजा, मैं ये कहूंगा देखिए बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि अवॉइडेबल होते हैं बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अवॉइडेबल होते हैं पर वो वो मैटर चीज़ जो चीज़ मैटर इस वक्त करती है क्या आप इस मुल्क में क्या होता देखना चाहते हैं आज जहाँ हम खड़े हैं क्या ये डिजायरेबल स्पॉट है क्या मैंने आज से 20 साल पहले 15 साल पहले 10 साल पहले सोचा था कि जी 2024 में सितंबर के महीने में हम इस तबाही के नहज के ऊपर खड़े होंगे जहाँ कि हमें कोई आगे का रास्ता नजर नहीं आ रहा तो मैं तो मैं तो ये नहीं देख रहा था मैं फील कर रहा था कि जी हम लोग वक्त के गुजरने के साथ साथ हम अपने इंस्टीट्यूशन को इम्प्रूव करेंगे उनको ज्यादा रॉबस्ट करेंगे उनको ज्यादा ट्रांसपेरेंट करेंगे हम आपस आपस में बैठ के बातचीत कर सकेंगे एक लव एक फीलिंग ऑफ रैकेंसिलेशन होगा जहाँ गिव एंड टेक होगा जो जो हमारी हेट्रेट्स हैं ये जो हमने दीवारें खड़ी की हुई हैं नफरतों की ये गिरेंगी मैं तो उस किस्म का बंदा हूं मैं तो डायलॉग का बंदा हूँ कि जी बैठ के सब कुछ हम मैं फील करता हूँ कि अगर आपकी ख्वाहिश है तो फिर एक डायलॉग के जरिए आप सब कुछ तमाम मसाइल हल कर सकते हैं। आ, 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 लेकिन हम तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। कॉन्ट्ररी आपके जो आ, दीगर पॉलिटिकल एंटिटीज हैं

बात करनी है फिर पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ इंगेज करने के लिए भी हमने महमूद खान एचई साहब को एमपावर किया हुआ है और उनका ब्रेक थ्रू भी हो गया था उनका रबता भी इस्टेब्लिश हो गया था बाकी पार्टीज़ के साथ भी होना था अब ये जो ऑल ऑफ अ सजन हुआ है आप एक पार्टी को आपने इजाज़त दी आप उनको जलसा करने दें आपने जलसे के रास्ते में हर रुकावट जो है वो खड़ी की है आपने हर तरीके से कोशिश की है कि जलसा ना हो पाए तो ये मतलब आप क्यों पुश कर रहे हैं लोगों को कि वो फिर आ, यू नो इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करें इस किस्म की तकरीरें करें ये करें वो करें चलिए अगर तक़रीरें तो एंड से होना चाहिए था जहां पर इंस्टीट्यूशन को इतना ब्लेटेंटली उनके हवाले से गुफ्तू की जाए आवाम के अंदर भी आपको पता है कि अवाम, एक, एक आपके आपका सपोर्टर भी बड़ा जज्बाती सपोर्टर है सो so, को एक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ और जिस किस्म की गुफ्तगू की गई आई एम श्योर कि आप सपोर्ट उस चीज को नहीं करते होंगे देखिए मैंने कहा ना कि आप, आपने एक पार्टी को दो साल से आपने हमें हम, हम, हमें दीवार के साथ लगाया हुआ है और वो बढ़ता जा रहा है प्रेशर बढ़ता जा रहा है प्रेशर बढ़ता जा रहा है प्रेशर तो कथासिस तो होना पड़ता है ना वहाँ होता है अब ये लोगों ने कथासिस था उनका उनको एक मौका मिला उन्होंने बोला ठीक बोला या गलत बोला ऐसा बोलना चाहिए था ये नहीं बोलना चाहिए था उसके ऊपर आरा हो सकती हैं इधर की भी और उधर की भी Frankly, as I said, you know, I have always been a person of dialogue. मैं फील करता हूँ कि ultimately हमने एक टेबल के ऊपर खड़े हो, बैठ के बात करके आपने मसाल को हल करना है। अब कोशिश होनी चाहिए कि किस तरह से उस तरफ बढ़ा जा सकता है इसमें ज़्यादा रिस्पांसिबिलिटी ज़्यादा जो है वो हकुमत वक्त की होती है। उनको एक

उस पर कुछ आपकी तरफ से कोई कोई सजेशन दी जाएगी देखिए मैं उनसे मिलता था हर थर्सडे को लेकिन पिछले दो हफ्तों से उन्होंने मेरे आ, मुझे इजाज़त नहीं दी मिलने की अब मुझे नहीं पता कि कल है थर्सडे है कल मैं जा सकता हूँ कि नहीं मैं जाऊँगा तो सही मुलाकात की इजाजत मिलती है नहीं वो डिपेंड करता है लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग उनके साथ एंगेज कर रहे हैं वो कला जो है वो गए हैं उन्होंने उनसे बात बात की है पॉलिटिक्स होती है ना अब आप एक 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 एक्सट्रीम के ऊपर पहुंचे हों तो फिर वहां आप कहते हैं कि जी क्या फ़ायदा हमें इंगेज करने का हमने क्या हासिल किया इस एंगेजमेंट से हम तो ओपन थे बिल्कुल मैं बार बार हर प्रोग्राम में बैठ के कहता था जी हम बात करना चाह रहे हैं हुँ. तो मैं कहता हूं कि अगर हमारा हाथ यहां है तो चलिए आप यहां नहीं हाथ करते तो कम अज़ कम यहां ही कर लीजिए तो हम थोड़ा सा एक्सटेंड करके आपका हाथ मिला लेंगे यहां प्रॉब्लम यह है कि हमारा हाथ यहां है और उनका हाथ यहां है ये तो पहले ये भी होता नहीं ना लेकिन ये पहले भी ऐसे ही था नहीं ये होता नहीं तरफ से सिग्नल आ रहा नहीं था रोसा हम तो कोशिश कर रहे थे हम तो कोशिश कर रहे हैं बिकॉज अल्टीमेटली तो लेकिन एक positive, अब आपने गिव अप कर दिया अब एक गिव अप तो इंसान कभी नहीं करता तो खान साहब की तो गुफ्तू से कर खान साहब का देखिए फैसला है तो वो मुकदम है हमारा पार्टी के अंदर वैसे राय है कि एंगेजमेंट होनी चाहिए इनसे अभी मौका नहीं मिला के बैठ के बात करें कोई हमारी कमेटी की मीटिंग नहीं हुई जिसमें क्या होगा लेकिन अगर खान साहब का फैसला है तो खान साहब का फैसला मुकदम है कोई उसके साथ नहीं करेगा देखिए uh, uh, इसके फेवर में रहे मैं, का नहीं मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा मैं कहूंगा जी कि मैं हमेशा डायलॉग के को सपोर्ट करता हूं और वो होनी चाहिए और वो रहना चाहिए रास्ते खुले रहने चाहिए ताकि जब भी उसके ऊपर आगे बढ़ सके हम बढ़ें अल्टीमेटली एज आई सेट किसी ना किसी दिन सब लोगों को बैठ के बात करनी होगी लेकिन उसके लिए जो प्री कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट प्री कंडीशन ये है कि जो इनजस्टिस हुए हैं जो ज्यादतियां हुई हैं उनको रेक्टिफाई करना शुरू तो करें ना, ताकि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो हमारी पार्टी में भी कि जी हाँ अब ये लोग उनको रेक्टिफाई करने के लिए तैयार हैं तो हम भी अपना हाथ दोबारा से बढ़ाने हैं उनकी तरफ शुरू करें तो ये आई थिंक वुड बी अ गुड बिगिनिंग तो अगर ये पार्लियामेंट के अंदर से ही शुरू कर दें मुझे नहीं पता कि क्या होता है एज आई साइड इंक्वायरी की जो हिस्ट्री है इस मुल्क में वो इंतहाई फरसुदा है अगर यही इंक्वायरी कर दें ठीक इंक्वायरी कर दें तो और ये पॉजिटिव फीलिंग जनरेट करे तो मेरा ख्याल है कि हालात और आपको, आपको लगता है इस इंक्वायरी कमेटी से कुछ सब्सटैंशियल चीज सामने नजर आ सकती है ऑन द फेस ऑफ इट आई बी वेरी ऑनेस्ट नो 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 लेकिन आई होप इन पे के हाँ जरूर आए, आए ताकि आगे चलने का जो है एक रास्ता जो है वो खुले मौका मिले I think be a good starting एक कमेंट इस पे भी जरूर कर दीजिए क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब के भी रोल पे बड़े सवालिया निशान है और बड़े सवाल उठ भी रहे हैं कि वो इस्लामाबाद में उनकी मुलाकात हुई जिसपे बड़ी खैर अफवाहें गर्दिश करने लगी कैसराया होने लगी कि वो बिल्कुल मिसिंग हो गए सात घंटे तक उनका कोई अता पता नहीं था लेकिन पता चला कि इस्लामाबाद में एक मीटिंग में वो शरीक थे और उसके बाद से ही साइलेंट तो वो खामोश क्यूँ साइलेंट तो नहीं है मेरी कल भी बात हुई है आ, उनसे डिटेल में बात हुई है आ, इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने बताया मुझे कि क्या है जो कि हमने अपने कल अपने ब्याल कल के बयान में डाला है इसको हमने इंक्लूड किया है ये सी वन मीटिंग आ, और वो खासी लंबी मीटिंग थी जैमस थे उसके लिए वो टेलीफोन वगैरह जो है वो ऑपरेट नहीं हो सके क्या? इसलिए वो एक लंबा अरसा हो गया था लेकिन उन्होंने बताया हमें तो वो अब छोड़ दें उसके ऊपर क्या बात करनी है जो आगे की तरफ देखना चाहिए हालात को जो इस वक्त मुल्क के हालात जितने मखदूश हैं फ्रैंकली हर सोचने वाले शख्स के लिए तो एक बहुत मैटर ऑफ कंसर्न नहीं सिर्फ कंसर्न नहीं बल्कि आई थिंक इट्स मतलब हम लोग तो इंतहाई शिद्दत से इस जहनी टॉर्चर में मुबतला है कि जी हम कहाँ मुल्क को देख रहे हैं जाता हुआ नहीं जाना चाहिए हमें रोकना है इसको पुल बैक करना है और उसके लिए हर हाँ बंदे को अपनी एफर्ट जो है वो करनी पड़ेगी इंक्लूडिंग अस ऑफ कोर्स आप पार्टी एंड वी हैव ऑलवेज बीन वेरी पॉजिटिव अबाउट इट हम चाहेंगे कि इसको आगे लेके चलें किसी न किसी तरीके से इस मुल्क को भी पुल इट बैक ऑन अ पाथ टू प्रोग्रेस रादर देन ऑन अ पाथ टू डिस्ट्रक्शन राइट right. और रऊ साहब खान साहब ने चूंकि और जहां हम बात करें गंडापुर साहब की भी उनकी जो स्पीच थी 8 सितंबर के जलसे की आ, उसको उन्होंने ओन किया और उन्होंने कहा कि अगर जो ओन नहीं करते वो पार्टी छोड़ दे तो आ, ये पार्टी ने किस तरह रिसीव किया खान साहब के इस बयान को खान साहब का बयान खान साहब का बयान मैंने कहा ना कि मांगी जा रही थी माजरत किया जा रहा था गंडापुर साहब की स्टेटमेंट को लेकर स्पीच को लेकर हम लोग मुनी न्याजी साहब थे ना वो कहते थे हमेशा देर कर देता हूं मैं हमारी पार्टी का खासा है कि बहुत जल्दी कर देते हैं हम लोग तो थोड़ा सा जरा उसको होल्ड करना चाहिए सोचना चाहिए हर चीज की स्टेटमेंट देने से पहले देखना चाहिए कि क्या आपके पास ऑप्शन हैं क्या सही रास्ता है आगे जाने का सिर्फ कैमरे के सामने खड़े होकर हाँ। हो बात करना जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्या आप बात करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, सो, 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 तो ये, मेरा ये, है कि ये आप उन लोगों के लिए कह रहे हैं जिन्होंने डिफेंड नहीं, नहीं, नहीं किया अली अमीन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट को या अली अमीन गंडापुर साहब जिन्होंने आके इस किस्म की तकारीर की गंडपुर साहब ने तकरीर की थी मेरा ख्याल है कि हमें उन पर छोड़ना चाहिए था कुछ देर के लिए उनको फैसला करते कि जो 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 एक की गई हैं उसको वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो एक बेहतर तरीका होता है रान के जी हम खड़े हो गए अपोलोजाइज करने और, और, और डिपेंड किया खान साहब लुक्स उनका एक अपना तरीका है बिल्कुल और फ्रेंकली uh, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है कि जो पार्टी के साथ हो चुका हुआ है उसके बाद तो आप इसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते ना अब तो उसके बाद तो आप इसको मतलब it's, it's the right approach के जी, आप छोड़ ही नहीं रहे हैं ना पार्टी के ऊपर आपने पार्टी को आप दबाते जा रहे हैं दबाते लगाया हुआ ने कुछ के बारे में कहा है बहुत ही नामुनासिबा देखिये आप देखिए पॉलिटिशन के अल्फाज तो आपने होते हैं मतलब मैं यहाँ बैठा हुआ आपको मेरी रिजर्वेशनलिस्ट के कॉन्टेक्ट के बारे में जैसा कि हर हर प्रोफेशन में लोग होते हैं लेकिन मैं कभी बींग नॉट बीइंग अ पॉलिटिशन आई वुड पॉसिबली नॉट रिजॉर्ट टू दैट का अपने तरीके से बात करनी है आपको ऑब्जेक्शन हो सकता है मुझे शायद ना हो मुझे कम हो किसी और को बिल्कुल ना हो तो उसको uh,

जब ये पहले उनका बयान आया था तो मैंने कहा था कि बड़ा खुश आइंदा है मैं ये अब कहूँगा कि बहुत डिसअपॉइंटिंग है उनका जो रिवर्सल है और देखिए पर्सन स्पेसिफिक उन्होंने कहा था अब वो कहते हैं जी कि अगर आप सबकी एक्सटेंशन कर दें आ, या एक फिक्स कर दें तीन साल का टैन ओवर तो मुझे यू नो वॉट ई वॉन्ट्स टू से दैट कि जी मैं एक्सेप्ट कर लूँगा तो बेसिकली हुकूमत के पास इस वक्त एक ही टूल है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उनका जो एक ही टैक्टिक है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कैसे अपना कैप्ट बनाए

आई होप अल्लाह मुझे उम्मीद है कि नहीं हो, नहीं टूटेंगे लेकिन मौलाना साहब को भी अपने साथ okay. शामिल करने की कोशिश करें उन्होंने भी अभी कमिटमेंट नहीं की है तो देखिए क्या होता है लेकिन इनका जो अपना जो इनका एजेंडा है वो बड़ा क्लियरली सामने आ गया कि जी ये चाहते हैं कि जुडिशरी को कंट्रोल किया जाए थ्रू वेरियस वेज एंड मीन जो कि इस वक्त पार्लियामेंट में वन बाई वन आते रहे राइट थैंक यू सो मच स्टूडियो में मौजूद है और रघुसन साहब का एक स्टांस बहुत क्लियर है वो इंगेजमेंट के बिल्कुल वो चाहते हैं कि मामला को डायलॉग के जरिए ही आ आगे बढ़ना चाहिए और इस वक्त जिस तरह के हालात मुल्क में नजर आ रहे हैं जहां पे इंस्टेबिलिटी एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है डेडलॉक की सूरत हाल किसी भी तरह से पाकिस्तान ना पाकिस्तान की अवाम के लिए मुफीद साबित कभी भी नहीं हो सकती सो तो इसको हल होना है इसको एक अफामो तफीम के साथ हल होना है और एक स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए डायलॉग इज नेचुर देखी प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का जी एक तरफ जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है आर्टिकल छह लागू करना चाहिए उन तमाम अफराद पे जो कि मुलवि गुजशत शब के इस वाके में जिस तरह से अराकी ने पार्लियामेंट को गिरफ्तार किया गया और स्पीकर साहब की अभी यकीन दहानी किस हद तक उस पर एतबार किया जाएगा आ, इस हवाले से भी गुप्त होगी और चीफ जस्टिस साहब की जो मुमकिन एक्सटेंशन से मुतालिक ऑल दो चीफ जस्टिस साहब आउट राइटली डिनाइड वो नहीं देख रहे वो नई दिलचस्पी रखते किसी भी तोसी में या किसी भी एक्सटेंशन में लेकिन क्या मामला हमें वहीं पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें ज्वाइन करें इस वक्त सीनियर माहिर आइनो कानून एजाज एहसन साहब एजाज साहब सामिकों बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए एजाज साहब जो पिछले 24 से 36 घंटों में जिस तरह से हालात नजर आ रहे हैं और जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर दरवाजों से गिरफ्तारियां अमल में आई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकीन असम्बली की आपको क्या लगता है एजाज साहब कि पार्लियामेंट की ये कितनी बेतौकीरी हुई है सारे दाम से नहीं पार्लियामेंट को तो बेतौकीर करना है, लगता है इनका अपना मिशन बनाया इस वक्त तक वारंट जारी हो गए होने चाहिए थे बाई द अंडर द सिग्नेचर्स ऑफ द स्पीकर ऑफ ऑल दर्सन जो मास्क पहन के और आ, ए, ए, एंटर हुए हैं और वहाँ से बत्तियाँ ऑफ करके सारी पार्लियामेंट हाउस की उन्होंने अगवा किया है एबडक्ट किया है एम एन एज को टॉर्च लगा लगा के और ये इतनी इतनी बे आ, एतनाई आ, स्पीकर की तरफ से इस कदर आ, अपने फ़राइ से अपने इख्तियार के, के अदम इस्तेमाल का के के इस्तेमाल से गुरेज करने का ये तो मैं सरदार या सादक से नहीं समझता था तो रखता सरदार या सदक एक सरदार है बहुत मीठा जबान का है लेकिन एक सरदार है उससे मुझे थी कि इस वक्त तोी कदमी इधर क्वार्टर गार्ड में बना के नेशनल uh, असेंबली में बिठाए होते और अंडर दी वो इन दी कस्टडी ऑफ दी सर्जेंट आर्म्स होते ये उनको करना चाहिए और अगर कोई uh, उनको पहचान नहीं आ रही कि लोगों ने पहचाना नहीं क्योंकि कुछ ने मास्क पहने हुए थे तो आप uh, उनके बॉस को uh, जो सेक्टर कमांडर है इसे उसको पकड़े उसको ये चीज अगर ये 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 हो गई कि आप जाके प्रेमिस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर और अंदर से भी ये भी नहीं कि बाहर किसी लॉन में वो भी प्रेमिस ऑफ पार्लियामेंट है आप अंदर बिल्डिंग में जाके ये बत्तियां बुझा के से गिरफ्तार करके और मारते पीटते ले जाते हैं एम एन एज को तो ये तो बहुत आ, आ, बहुत ही बात हद से ही आगे गुजर गई एजाज साहब हम हमेशा से अब तक जो कहते और सुनते आए हैं कि पार्लियामेंट को और पाकिस्तान की जमहूरीत को गैर जमूरी कुतों से खतरा रहा है अब अब क्या समझा जाए कि जिस तरह से ये डेकोरम का ख्याल भी नहीं रखा जा रहा पार्लियामेंट का और जिस तरह से अरकने असम्बली जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान एक 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी है इस इस पार्लियामेंट के अंदर अब इसके पार्लियामेंट को अब पार्लियामेंट के अंदर से ही खतरा लायक हो गया है असल में पता नहीं कुछ हमारी इतनी गिरावट हुई है हर शोबे में इतने हम गिरे हैं कि आप देखें इसके पैरल देखें द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हु इज द पैटर फेमिलियज द वालिद इन वाल के किस्म का रोल है एंटायर uh, जुडिशरी वो छः लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेज ने एक बड़ा सीरियस खत और शिकायत की है उसके बारे में उसका ध्यान ही नहीं है कोई जिक्र नहीं है उसका आज के आ, खिताब में उस खत का उस तरफ ध्यान वो भी घबरा रहे हैं डरे हुए हैं और उसी इंटेलिजेंस एजेंसी से और अपनी चाहते हैं कि आ, म्याद में इजाफा हो जाए आ, वो, वो ही आ, अब यही स्पीकर का हाल है स्पीकर भी कत कलामी की माफी लेकिन चीफ जस्टिस साहब ये कह चुके हैं बड़ा लेली कि मैं एक्सटेंशन की कोई वो ख्वाहिश नहीं रखते डू ट्रस्ट हिम ऑन दिस नो नो आई डों बिकॉज उन्होंने ये उस बड़ी क्लियर बात ये अगर इंटेंशन उन्होंने क्लियरली बतानी होती तो वो क्या कह, उधर कहते जो अपनी तकरीर है फॉर्मल तकरीर जो उन्होंने की है इन कोर्ट रूम नंबर वन ऑन ओपनिंग ऑफ द ईयर जुडिशल ईयर चीफ जस्टिस साहब का तो बड़ा क्लियर है और गवर्नमेंट का एक क्विड प्रो को हो गया और क्विड प्रो को क्विड प्रो को क्विट प्रो को वो तीन चार दफा उस ट्रांजैक्शन में होता है पहला मूव जो चीफ जस्टिस साहब ने करनी है वो ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो सीटें ये आजाद डिक्लेयर कर दी है ना इलेक्शन कमीशन ने उन सीटों को गवर्नमेंट को देनी है वो सीटें और वो वो सीटें जब गवर्नमेंट को मिल जाएंगी तो गवर्नमेंट को उस तनासब से खातन की सीटें मिलेंगी और वो टू थर्ड मेजॉरिटी हो जाएगी अब जब ये टू थर्ड मेजॉरिटी हो जाएगी तो ये क्विड हो गया अब गवर्नमेंट ने क्या करना है गवर्नमेंट ने प्रो जो कुछ देना है टू द चीफ चीफर वो क्या देना है कि गवर्नमेंट ने उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करनी है क्योंकि वो नंबर हो गए टू थर्ड तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आपने सारी आ, आ, वो बर, वो बर, आ, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके म्याद बढ़ा देनी है तमाम जजेस की तमाम जजेस की ताकि ये चीफ जस्टिस को ये ना कहना पड़े कि मैंने तो कहा था मैं रिजाइन करूंगा मैं नहीं कह रहा वो कहेंगे म्याद ही बढ़ गया मेरी रेजिग्नेशन तो वैन आई सिक्सटी एट ओल्ड तब ये आएगा और फिर ये कानून तो जब इसे... बन जाएगा तो फिर तो ये पाबंद हो जाएंगे एक्सटेंशन एक्सटेंशन लेने के लिए हाँ, ये ये कहेंगे नहीं मैंने इस्तीफा नहीं देना मैंने आपको कहा था मैं अपनी म्याद के बाद नहीं जाऊंगा मेरी म्याद, आ, बढ़ा दी ये ये है अब क्विड क्या वापस जो गवर्नमेंट ने देना है चीफ को इसका वो उन्होंने ये देना है कि उन्होंने बाई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट क्योंकि आर्टिकल वन में है टी फाइव uh, में के देर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कम्प्राइजिंग ऑफ सच नंबर ऑफ अदर जजेस एज दिस कॉन्स्टिट्यूशन और बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अब वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में चीफ uh, जस्टिस को सहूलत देने के लिए कि उनके पास मेजोरिटी हो वो सत्रह से तेईस सोलह से तेईस ले जाएंगे अब ये छः सात के आठ जज उनको जब देंगे ना वो पिक एंड चूज करेंगे आ, काजी साहब जो इन्होंने अभी बुला ली सो so, लॉयलिस्ट को विल बी इंडक्टेड एज जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट सबके बल दूसरी चीज अब चूंकि आपने आ, सब जजेस की एज बढ़ाई होगी एक की नहीं सब जजेस सो देर विल बी चीफमेंट no, से कोई इफेक्ट नहीं होता मंसूर शाह इज नॉट इफेक्टेड ही गेट्स थ्री इयर्स ऑन एंड इट बिकम्स चीफ जस्टिस आफ्टर थ्री इयर्स उसका बल्कि फायदा है कि बजाय सुप्रीम कोर्ट का जज तीन साल के रहने के लिए अब छ साल के लिए रहेगा तो ये सब को आई स्क्रैच योर बैक यू स्क्रैच माई बैच एंड दे थिंक दे विल गेट ऑन हैपीली एवर आफ्टर बट आई मे टेल यू ये तो मैं पीपल्स पार्टी का आपको स्टैंड एक बताना लगा टू थाउजेंड टू में भी इन्होंने जनरल ये, uh, ये, ये uh, परवेज मुशर्रफ ने ये उम्र uh, बढ़ा दी थी बाई अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैनमेंट द सुप्रीम कोर्ट कोर्ट इन जफर अली शाह केस गेव हिम दावर टू मैन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द क्विड प्रोको वॉज के ही In, uh, uh, in turn, gave to the judges by and through that amending power an increase in all High Court judges and Supreme Court judges tenure by three years so, uh, 62 say High Court ke judges ka 65 ho or uh, Supreme Court judges ka 65 say 68 ho gya. Is, is law ko ye bangi aathar so, uh, Parvez Musharraf de amendment We opposed it. बीबी शहीद ने दिन रात हमसे कहा कि अपोज करें शी वॉज नॉट इन पाकिस्तान बट शी वॉज मैड अबाउट इट के और वो कहती थी कि ये सारी सारी जुडिशरी को आपने रिश्वत दे दी सारे जजों को रिश्वत दे दिए सारे राशि हो गए सो so, हमने अपोज किया so, साहब लाइक यू सेड बीबी शहीद ने बैक देन शी अपोज इट आप सब ने अगर अपोज किया लेकिन जो रोल अब बकायदा तौर पे सदर जरदारी साहब का और अदा कर रहे हैं हुकूत के इस मुतव आइनी पैकेज के हवाले से और जो जिस तरह से भी जो बुलाए जा रहे हैं सो क्या इससे अखज किया जाए पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि चीफ जस्टिस साहब को एक्सटेंशन और उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो पीपल्स पार्टी आपके नज़दीक आपको लगता है कि काजी साहब की एक्सटेंशन को अपने लिए एक इंश्योरेंस इस वक्त समझ रही है देखिए पीपल्स पार्टी को एक चीज़ का एहसास है ना आई थिंक थिंकारी साहब बहुत धीरे का ही नोज एंड आई आई थिंक ही नोज के ये गेम बेसिकली नवाज शरीफ और चीफ जस्टिस के दरमियान है क्विड को इसमें पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं है पीपल्स पार्टी का इसलिए हिस्सा नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी ने कोई इस किस्म की रिलेशनशिप कोई कंस्परिटोरियल एक्टिविटी uh, इसके साथ नहीं की विद द चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब राइट अब uh, जो पीपल्स पार्टी की पोजीशन इस पे भी और पीपल्स पार्टी की पोजीशन ऑन इंक्रीज इन नंबर ऑफ जजेस परवेज मुशरफ ने उनतीस कर दिए थे और बीबी शहीद सेवनटीन्थ अमेंडमेंट में उसको भी नीचे लाई थी बैक टू प्लस वन सेवनटीन दोनों में बीबी शहीद की क्लियर पोजीशन थी कि ना आप नंबर ऑफ जजेस बढ़ा सकते हैं और ना आप इनकी एज बढ़ा सकते हैं वही पोजीशन तो आज पीपल्स पार्टी से फिर उम्मीद रखी जाएगी कि पीपल्स पार्टी की क्लियर पोजीशन नजर आए जो अनफॉर्चुनेटली नहीं नजर आती नहीं आएगी आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी आई एम श्योर sure. ये चेयरमैन बिलावल एंडदारी साहब देव बाय ए लाज प्रिजर्व दॉट्स एंड दॉलिसीज ऑफ शहीद बे नजीर भुट्टो ये उन्होंने किया बाय अई नई चीजें हो गई हैं जो नई रियालिटीज हैं उनके तहत कुछ उन्होंने आ, गुरेज किया है लेकिन बाय अ लाज बिल्कुल बीबी की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बीबी -बी की Uh, ये जो इनिशिएटिव लिया जो बीबी का इनिशिएटिव बीबी के जेन में था पर इन, इनिशिएटिव आसिफ अली जरदारी साहब ने लिया बीआईएसपी का बहुत बड़ा इन्होंने पावर्टी एलिविएशन का ये बीबी का ख्याल था जो ही पुट इन टू Uh, और, और आपने जिस तरह से कहा एजाज साहब वक्त की कमी है आपने जिस तरह से कहा कि ये उम्मीद रखी जाए कि पीपल्स पार्टी की क्लियर पोजीशन इस मामले पे, इस अहम मामले पे भी नजर आएगी बट बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग आस एजाज ऐसन साहब आइन और कानून इस वक्त हमसे बात रहे थे जिन्होंने कहा कि बैकदेन दो 2002 दो का भी उन्होंने हवाला दिया कि तब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मोहतरमा बे नजीब भुट्टो शहीद साहिबा ने एक क्लियर पोजिशन एक अडोप्ट की थी और जजिस की तादाद को किस तरह से नीचे लेकर आया गया और अभी भी एजाज साहब कहते हैं कि उम्मीद रखी जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगरचे कि वो हुकूमत के इस इतिहाद में शामिल हैं खुद कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले के हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है लेकिन उनकी एक क्लियर पोजीशन आने वाले दिनों में जरूर नजर आ सकती है और जिस तरह से बिलावल साहब का भी उन्होंने हवाला दिया कि बिलावल साहब जो कि एक एक इकास एक हैं अपनी वालदा की उनकी जानब से भी एक क्लियर पोजिशन जरूर नजर आएगी इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए